आप तो सहायक नहीं। और एग्जीक्यूटिव ऑफिसर अब्दुल हमीद साहब, अनाब शुक्र साहब, सही शुरू कर दिया मेरा है ना काम है भाई। ये टेंडर्स वेर पब्लिश इन ऑल न्यूज़ पेपर्स उर्दू अखबार और जो ऑफिशियल नंबर्स ओपन में टेंडर हुआ। फर्स्ट टेंडर बॉक्स इज बीइंग ओपन फॉर लेट है तो लोग After opening of the tender for supplying company, स्टेट हज कमेटी के तरफ से तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। इस सिलसिले में आज जो टेंडर का मैटर था उसको जो गवर्नमेंट 3 मेंबर कमेटी डाले थे वो ने फाइनलाइज कर दिया है और खाने का इंतज़ाम, मेंटेनेंस और सप्लाई, ये 3 चीज़ों का टेंडर आज फाइनलाइज हो गया है। खाने का टेंडर ये रूल्स से पूरे वेरीफाई करने के बाद, नेगोशिएशन करने के बाद, विदाउट कॉम्प्रोमाइजिंग ऑन क्वालिटी एंड क्वांटिटी, मुस्तफ़ा कैटरिंग सर्विसेज को टेंडर वर्क ऑर्डर अलॉट किया जाएगा। इसी तरह सप्लाइंग में हैदराबाद सप्लाइंग कंपनी को सेलेक्ट किया गया है और मेंटेनेंस ऑफ हज हाउस में AMS एंटरप्राइजेस को सेलेक्ट किया गया है। ये तीनों को ये भी बताया गया है कि हाजियों की खिदमत में कोई चीज़ की किसी भी तरह कमी नहीं रहना चाहिए और तीनों ने मान लिया है कि हाजियों के खातिर बेहतरीन से बेहतरीन सर्विसेज वो प्रोवाइड करेंगे। और इंशाल्लाह कैंप 23 सितंबर से शुरू होगा, फ्लाइट्स 25 सितंबर से जा रहे हैं, कैंप 10 अक्टूबर तक रहेगा। हाजियाँ अभी तक फाइनलाइज किया गया है, मुमकिन है हैदराबाद एम्बार्केशन पॉइंट से तकरीबन 8000 हाजी साहब यहाँ से जाएंगे। नंबर कंफर्मेशन होते हुए आगे बढ़ा है, 483 वेटिंग लिस्ट कंफर्म हो चुका है, 483 कंफर्म हो चुका है और वेटिंग लिस्ट नंबर 484 से 534 तक जो हाजमीन हज है उनसे गुजारिश की गई है कि वो अपना ओरिजिनल पासपोर्ट हज ऑफिस में लाकर जमा कर दीजिए, क्योंकि जैसे ही कंफर्मेशन स्टार्ट होगा वो बैंक में पेमेंट कर दिए तो हम लोग ये पासपोर्ट वीज़ा एंडोर्समेंट के लिए बॉम्बे भेज सकते हैं और उनका कंफर्मेशन और ट्रैवल अरेंजमेंट्स करने में आसानी होगी। वो